हेलो बच्चे लोग, आज हम रेंगने वाले प्राणियों के बारे में पहचान करने वाले हैं, है ना बच्चे लोग। अभी देखो आपको स्क्रीन पर आपको कौन सा चित्र दिख रहा है, उसका नाम मालूम है एलिगेटर। मैंने एलिगेटर मैंने कोकोराइल जैसे दिखते हैं, उसमें थोड़ा फर्क होता है, उनका रंग काला रंग का होता है, उनका मुंह यू आकार जैसे दिखाई देते, कोकोटाइल्स का मुंह भी आकार जैसे दिखाई देते, उनकी साइज थोड़ी छोटी लेकर बड़ी तक वे अपने आकार के होते, उनका मुंह थोड़ा बड़ा होता है, मुंह के पास होल होल होता है, वो सांस लेने में उसको मदद होता है, उनकी पीठ पर स्क्रीन जी रफ होती है, खुरदरी होती है, उनके दांत नोकीले होते हैं और उनके नाहे क्या होते हैं, उनके मुंह के बंद होते तभी उनके दांत दिखाई देते हैं, उनके पीठ का हिस्सा लंबा होता है पूरी तरह, वह बड़ी मजबूती जैसी उनकी त्वचा खड़बड़ी होती है, खाने में छोटे मछली वो खाते। हेलो बच्चे लोग, अभी स्क्रीन पे अभी कौन सा चित्र दिख रहा है, उसका नाम मालूम है आपको, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पाइथन। पाइथन बोले तो क्या होता है मालूम है, अजगर जैसे सांप का एक प्रकार होता है, और उसका मालूम है कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर, पीला, हरा भूरा रंग का होता है ना, और सांप बहुत बड़े आकार के होते हैं, और अजगर का मुंह बहुत बड़ा होता है, उनका जबड़ा खूब फूलता है, वो साल में 5-6 बार वो खाना खाते हैं, उनकी त्वचा बुरी तरह निकलती है और भी नई भी आती है, वो सांप को पाँव नहीं होते, वो जमीन पे रेंगलते हैं, क्या करते हैं जमीन पे रेंगलते, उनकी आंखें बड़े बड़े होते हैं, और वो क्या करते मालूम है, अपने छोटे जो रहते हैं ना, छोटे छोटे अजगर जानवर होते हैं, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सुअर के वो मगरमच्छ को खाते हैं, और वो अजगर अपने जंगल में पाया जाता है, और वो अजगर दलदली लकड़ी वाले क्षेत्र में पत्थर में लट रहते हैं, और उसके वो क्या करते हैं, शिकारी करते हैं। आप भी देखो बच्चे लोग, अभी क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, देखो देखो जल्दी से। हाँ, ये क्या है, टोटोटाइस, इसे कछुआ कहते हैं, उसके पाँव लंबा होते हैं, हाँ टोटोराइज बोले तो कछुआ, जमीन पे क्या करते हो रंग रेंगलते हैं, और उनका आकार गोल गरगरी बड़े होते हैं, उनकी कवच बहुत मजबूत होती है, उनका शरीर पूरा तरह कवच सुरक्षित होते हैं, और कछुआ क्या है, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी रहते हैं, और कछुआ जमीन पे भी रहते हैं, और उनकी साइज भी कैसी रहती है, वो जब भी कोई शिकारी आते तभी अपने शरीर पूरा अपने कवच में खींच लेते हैं अंदर, फिर उसको सुरक्षित रखता है अपने, और अपने क्या करते हैं मालूम है, और कछुआ बहुत धीमी धीमी गति से चलता है ना बच्चे लोग, देखा होंगे ना अपने कछुआ, और हम लोग कछुओं को पालते भी है। अभी ये क्या है आपको मालूम है, देखो बच्चे लोग, क्या इसको क्या बोलते हम लोग, इसे हमें बोलते टर्टाइज, क्या बोलते टर्टाइज, ये क्या होते हैं, पानी में रहते हैं, और एकदम अच्छे ब्लू कलर के पानी में रहते हैं, और उनके
क्या उनका आकार गोलाकार जैसा घूमर जैसा होता है, उसका पतला होता है। उनका कवच बहुत मजबूत होता है और उनका शरीर भी पूरा कवच में सुरक्षित रखते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षित रहते हैं। जब भी उनको खतरा महसूस होता है तो कछुआ और अपने शरीर शेल शेल के अंदर में रखते हैं और उसकी आंखें भी कैसे रहते हैं, छोटी छोटी रहते हैं। उनके पाँव कैसे रहते हैं, ऐसे बड़े रहते हैं। देखा बच्चों लोग ने? हाँ, इसका कलर भी कैसा रहता है, लाल जैसा ब्राउन कलर का होता है ना, आप देखे होंगे ना बच्चे लोग। हाँ, इस तरह हमें क्या करना है, और इसकी देखो, और इसकी कवच भी बहुत टनक होती है, कैसे मजबूत है ना। और क्या, अभी मैं आपको 3 प्रश्न पूछने वाली हूँ, उसका सही आंसर देंगे बच्चे लोग। आप तैयार हैं, रेडी? चलो ओके। रेंगने वाले कौन से प्राणी होते हैं, कछुआ, बटरफ्लाई या चिट्टी? दूसरा प्रश्न, पाइथन का मतलब क्या होता है, अजगर, नाग, मेंढक? तीसरा प्रश्न, रेंगने वाले प्राणियों कितने होते, 2, 3 या 4 थे? इस तरह आप क्या करना है, बच्चों को प्रश्न पूछना है, फिर रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं उसकी पहचान करके, उसको पिक्चर दिखा के, वीडियो दिखा के, हमें पैरे पैरे वीडियो एक्टिविटी करके हमें बालवाड़ी ग्रुप व अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो करके हमें भेजना है। अभी पेरेंट्स ने क्या करना है, बच्चों का एक विकास होता है, उनका बौद्धिक विकास होता है, जनरल नॉलेज बढ़ता है, इससे हमें बच्चे की प्रगति मालूम पड़ती है। इस तरह आप क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है और उनको बढ़ावा देना है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू पेरेंट्स, बाय बाय।